दोस्तों अक्सर आपने देखा है और आपको ये देखना होगा कि जो गौ रक्षा दल वाले बने हुए हैं वही गौ तस्करी करते हैं। इसी तरह से जो राष्ट्र की बात करते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, देश से गद्दारी वही करते हुए पाए जाते हैं। उनके बाप दादाओं का इतिहास देशभक्तों के साथ नहीं, देशभक्तों के खिलाफ वाला रहा है। ऐसे ही उसी समाज और उसी संघ के, उसी सोच के लोग समाज में बेहतरीन चोला पहन के रहते हैं। दिल्ली के हाईफाई इलाके में सुभाष नगर में इस व्यक्ति को पहचान लीजिए। ये व्यक्ति जो है कई सारे संगठनों से जुड़ा हुआ है और सामाजिक कार्यकर्ता बताया जाता है। और कहते हैं कि ये जो कुत्ते उत्ते होते हैं तो स्ट्रीट डॉग के लिए लड़ता है, उनका ध्यान रखता है, ऐसी बात कही गई सोशल मीडिया पे। ये चीज सामने आई, यानी सामने कुछ और पीछे कुछ और। कैसे? ये वो व्यक्ति है जिसका नाम पवन मल्होत्रा है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, दिल्ली के पॉश इलाके सुभाष नगर में रहता है, कई सारे कुत्तों के साथ ये बलात्कार कर चुका है। और आपको बता दूं कि ये बात इसके नौजवान शादीशुदा बच्चों तक को पता है। खबर यह है कि भैया इससे पहले कई पत्रकारों ने जब आवाज़ उठाई तो उनको पीटा गया इनके औलादों के द्वारा और अपने बाप को बचाया गया। अब दोस्तों ट्विटर पर किसी ने परेशान होकर इनका वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया जिसमें कुत्ते के साथ अप्राकृतिक रूप से ये सेक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अभी से नहीं, ये काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं। तो ये सब है समाज के सब है लोग, तो याद रखिएगा ऐसे लोगों से बच के रहना है। जो कुत्ता नहीं छोड़ रहे हैं वो किसी लड़की को, आपके घर की औरत को, हमारे घर की औरत को क्या छोड़ेंगे। इन्हीं के समाज के लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बातें करते हैं और अंदर से ये होते हैं। सवाल ये है कि क्या इसकी गिरफ्तारी होगी और इस पर गोदी मीडिया खामोश क्यों है। सवाल ये है कि तथाकथित जो पत्रकार बनते हैं BND के पत्रकार, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं, इस पर खामोशी क्यों है। अगर मुसलमान ये होता तो अब तक बिलडोजर चल चुका होता, लेकिन यहाँ बाबा जी का बिलडोजर पूरी तरह से लुल पड़ा है और सभ्य समाज का जो अंग है, जो हर बात पर फुदकने लगता है, वो पूरी तरह से खामोश है। दोस्तों तो आपको और हमें समझना है करण और जी क्या चल रही है।